गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बिल्डर सेल्स एंड बिल्डर्स। आज हम आपको जो प्रॉपर्टी दिखाने आए हैं, ये हमारी एक प्राइम लोकेशन में प्रॉपर्टी है जो 2 BHK है। इसकी जो लोकेशन है ये शिवालिक सिटी के अंदर है, और जो एग्जैक्ट लोकेशन की बात करो तो ये पाम सिटी के अंदर है। यहाँ पे हमारे पास 35 फुट की रोड्स है। सिक्योरिटी की बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पे 2 गेट्स है, जहाँ पे हमारे पूरे टाइम सिक्योरिटी गार्ड रहता है। और जो मेन कनेक्टिविटी है वो हमारी 200 फुट रोड से होती है, जो हमारी लांड्रा रोड है। एंड दूसरी रोड की बात करूँ तो हमारी कनेक्टिविटी हमारे निजर चौक से है, जो बेसिकली हमारा खरड़ का हाईवे है, और खरड़ के हाईवे के नीचे से हमें आना है। यहाँ पे आपको हम 2 बेडरूम, 2 बाथरूम, ड्रॉइंग डाइनिंग और किचन दिखाएंगे। उससे पहले मैं आपको चाहूंगा कि यहाँ पे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, प्लीज जाके इसको सब्सक्राइब करो, ताकि आगे जो भी वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मैं आपको डिटेल्स देता हूँ इस फ्लैट के बारे में। ये हमारा इंडिपेंडेंट फ्लैट है, जो हमारा G+2 के कंसेप्ट से बना हुआ है। ये 117 गज पे बना हुआ है, जहाँ पे हमें हमारा पार्किंग एरिया मिल जाता है। यहाँ पे आपको काफी शानदार एलिवेशन मिलती है, जहाँ पे आपको गोल्डन कलर, ना कह लो ब्राउन कलर और व्हाइटिश कलर का कॉम्बिनेशन मिलता है। यहाँ पे आपकी रेलिंग लगी हुई है जो ब्लैकिश कलर और गोल्डनिश कलर की है। इसी के साथ हमारा पॉर्च एरिया आ जाता है, जहाँ पे हमने ग्रेनाइट का काफी अच्छा काम किया हुआ है। यहाँ पे हमारी सीढ़ियां आ जाती है, हमने स्टील की रेलिंग का इस्तेमाल किया हुआ है, जिसको हमने ब्लैक पेंट किया। यहाँ पे आप देख लो, हमने यहाँ पे जो बेसिकली जुगाड़ लगाई हुई है, ये जापानी जुगाड़ है। इसी के साथ हमारा मेन डोर आ जाता है। जो मेन डोर का साइज है वो हमारा 8x3.5 का है। यहाँ पे हमारा फ्लश डोर लगा हुआ है, जिसपे हमने ब्राउन कलर के सनमाइका का इस्तेमाल किया हुआ है। हैंडल की बात करूं, बहुत स्मार्ट हैंडल्स हमने यूज किए हैं। सबसे पहले हम एंटर करते हैं हमारे ड्राइंग में। ये ड्राइंग का जो साइज है, ये 14x16 का काफी बड़ा ड्राइंग है। यहाँ पे आप आराम से एक अपना 7-सीटर सोफा रख सकते हो। टेबल भी आप बहुत आराम से यहाँ पे फिट इन कर सकते हो, जिसके साथ छोटे से आप 2 काउच भी रख सकते हो। 2x2 की हमने पूरे घर में टाइल का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पे हमें टीवी पैनल का प्रोविजन मिल जाता है। ये टीवी पैनल जो है, ये एक एक्स्ट्रा कॉस्ट के साथ आता है, ये इसमें इंक्लूडेड नहीं रहता, बट आप बिल्डर को बोल के आप लगवा भी सकते हो अपनी चॉइस का। इसी के साथ हमें फॉल सीलिंग मिल जाती है, जो फॉल सीलिंग है वो आपकी प्रॉपर इंक्लूडेड रहेगी। जैसे आप देख रहे हो वुडन टच में हमारी फॉल सीलिंग हुई है और हमारी कंसील लाइट्स लगी है, वैसे ही आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको वॉलपेपर का काफी अच्छा डिजाइन मिल जाता है, लैंप्स आपको मिल जाते हैं। इसी के साथ हमारी विंडो आ जाती है, और मैं आपको स्पेशली दिखाना चाहूंगा जो ये विंडोज है वो सारी UPVC की हमारी विंडोज है। तो वेंटिलेशन की बात करो तो प्रॉपर आपको वेंटिलेशन आती रहती है। ड्राइंग रूम के साथ में हमारा डाइनिंग एरिया आ जाता है, जिसका साइज 8x12 है। बट उससे पहले मैं यहाँ पे आपको पार्टीशन दिखाना चाहूंगा। ये पार्टीशन बेसिकली हमारे ड्राइंग एंड डाइनिंग को सेपरेट करता है। काफी अच्छा डिजाइन दिया हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे आप अपने आराम से शो पीसेस भी रख सकते हो, और ये काफी अच्छे आपको लुक देता है और एनहांस कर देता है पूरे ड्राइंग डाइनिंग को। आप यहाँ पे कंसील लाइट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ डाइनिंग एरिया में आप आराम से 6-सीटर डाइनिंग टेबल रख सकते हो। एंड उसके बाद भी आप देख रहे हो यहाँ पे काफी एम्पल स्पेस बच जाती है वॉकिंग के लिए, ताकि आपको कोई सर्व भी करना है आप इजली सर्व कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको वॉलपेपर मिल जाता है, एंड ये जो वॉल है ये बेसिकली हमारी ड्रॉइंग एंड डाइनिंग की सेम वॉल है, काफी बड़ी लुक देती है। आपको एक शैंडलियर भी मिल जाता है यहाँ पे फॉल सीलिंग के साथ।
इसी के साथ हमारा किचन आता है जिसका साइज है 8x10 का। ये काफी बड़ी किचन है जहाँ पे हमने ग्रेनाइट का, ब्लैक ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया हुआ है और जो हमने फिटिंग्स लगाई हुई है वो सारी जैगवार की फिटिंग्स है। और जो ये सिंक है, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये सारे साउंड प्रूफ सिंक्स हैं हमारे। इसी के साथ हमारे अपर कैबिनेट्स आ जाते हैं जहाँ पे आपकी प्रॉपर प्रोफाइलिंग हुई है। यहाँ पे आप इजिली प्लेट्स अपने रख सकते हो, जो आपकी वेट प्लेट्स है वो आराम से ड्राई आउट हो जाती है। और ये सारे सॉफ्ट टच कैबिनेट्स है। 2x4 की हमारी टाइल्स आ जाती है, उसी के साथ हमारी विंडो भी आ जाती है वेंटिलेशन के लिए। अपर कैबिनेट्स के साथ हमारे लोअर कैबिनेट्स आ जाते हैं, यहाँ पे अगेन हमारी प्रॉपर प्रोफाइलिंग हुई है। दो बाय दो की हमने टाइल्स का इस्तेमाल किया हुआ है। किचन में भी हमें फॉल सीलिंग मिल जाती है। स्विचेस की बात करूं तो एल एंड टी की हमने स्विचेस का इस्तेमाल किया हुआ है, प्रॉपर कंपनी का। इसी के साथ हम एंटर करते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम का, जो साइज है वो 10x12 का है। काफी स्पेशियस बेडरूम है, यहाँ पे आप आराम से अपना किंग साइज बेड लगा सकते हो। पीछे आप वॉलपेपर अपना इंस्टॉल करवा सकते हो विद योर लाइट्स। फॉल सीलिंग आपको इंक्लूडेड मिलेगी। यहाँ पे आप अपना टीवी पैनल का प्रोविजन दे सकते हो। इसी के साथ हमें यहाँ पे कवर्स मिल जाती है। ये सारी स्लाइडिंग कबर्ड्स है और मैं आपको और चीज दिखाना चाहूंगा, ये सारी सॉफ्ट टच हमारी कबर्ड्स आ जाती है। और काफी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल हुआ है, व्हाइट और ब्राउन कलर की कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल हुआ है। हमें अपर कैबिनेट्स भी मिल जाते हैं जहाँ पे हम अपनी प्रॉपर स्टोरेज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ड्रेसिंग टेबल भी आ जाता है मिरर के साथ। इसी के साथ हमारा अटैच वॉशरूम आ जाता है जिसका साइज है 6x6 का। यहाँ पे हमारी 7 फीट तक प्रॉपर टाइल्स लगी हुई है, जो 2x4 की टाइल्स लगी हुई है और ये ब्लैकिश कलर और क्रीमिश कलर का इस्तेमाल किया हुआ है। एंटी स्किप टाइल्स है 2x2 की। पूरे बाथरूम में हमें जैगवार की ही फिटिंग्स मिलती है, चाहे वो शॉवर फिटिंग्स हो, चाहे वो वॉल माउंट हमारी सीट हो। विंडो का भी काफी बड़ा प्रोविजन हमें मिल जाता है यहाँ पे। इसी के साथ मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा, हमें यहाँ पे UPVC का, मैंने आपको बताया था पूरे घर में काम हुआ है, यहाँ पे भी हमें विंडो मिल जाती है। सो आप देख रहे हैं काफी बड़ी विंडो है, जो प्रॉपर वेंटिलेशन एंड आपको हवा जो आनी चाहिए पूरे रूम में वो आपकी आती रहती है। ये हमारा वॉशिंग एरिया आ जाता है। इसी के साथ हम एंटर करेंगे हमारे सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम का भी साइज की बात करूं तो ये भी 12x10 का हमारा बेडरूम है, जिसमें हमारा इजीली एक मास्टर बेड आ जाता है, किंग साइज बेड आ गया। वॉल सीलिंग हमें इंक्लूडेड मिलती है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था। पीछे वॉलपेपर की प्रोविजन आप बिल्डर को बोल के करवा सकते हो, साथ में लैंप्स भी आप बिल्डर को बोल के लगवा सकते हो, इसकी एक एडिशनल कॉस्ट आ जाती है। यहाँ पे हमारा टीवी पैनल आ जाता है। यहाँ पे भी हमें प्रॉपर वार्डरोब्स मिल जाते हैं और ये सारे अच्छे साइज के हमारे वार्डरोब्स आ जाते हैं। कलर में देख रहे हो बहुत ही अच्छे कलर का, यहाँ पे यूटिलाइजेशन हुआ है ब्राउनिश कलर का, जो पूरी ऐसे लगता है कि वुड का ही बना हुआ है। 10 फीट तक हमारी प्रॉपर कबर्ड्स आ जाती हैं। ड्रेसिंग टेबल भी हमने हर एक रूम में दिया हुआ है। इसी के साथ हमारा अटैच वॉशरूम आ जाता है 6x6 का एंड पूरे 7 फीट तक हमारी टाइल्स लगी हुई है 2x4 की। जैगवार की हमारी फिटिंग्स आ जाती है, चाहे वो शावर फिटिंग्स हो, चाहे हमारी सीट,
या हमारा वॉश बेसिन। इसी के साथ हमारा प्रॉपर विंडो आ जाती है यूपीवीसी की। इसी के साथ एंटर करेंगे हमारे वॉशिंग एरिया। वॉशिंग एरिया की साइज की बात करूं तो ये 8x7 का वॉशिंग एरिया है। अब इसमें आप ड्राई एरिया भी यूज कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन को डेफिनेटली यहाँ पे रख सकते हैं। पार्टीशन आपको मिल जाती है ताकि आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहे प्रॉपर। अब मैं आपको डिटेल्स दूंगा इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। ये हमारी 117 गज पे बनी हुई प्रॉपर्टी है जहाँ पे हमें 2 बेडरूम 2 बाथरूम ड्राइंग डाइनिंग किचन मिल जाता है। ये हमारा जो लोकेशन है ये सिवालिक सिटी में हमारा पड़ता है जो पाम सिटी के अंदर इसकी प्रॉपर लोकेशन है। यहाँ पे हमारी 35 फुट की रोड्स है। इसकी जो कनेक्टिविटी है वो हमारी लांड्रा रोड से भी है और हमारी मेन खरड़ रोड से भी है जो हमारा निजर चौक से आता है। यहाँ पे आपको 2 गेट्स मिलते हैं जहाँ पे पूरा टाइम सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं। एंड सेफ्टी वाइज बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारी फैमिलीज भी रह रही है। अब मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो इसकी प्राइस स्टार्टिंग है वो 36,90,000 रुपीज़ से है। यहाँ पे जो रूफ राइट्स है वो 33% आपका कॉमन रूफ राइट आ जाता है। बाकी आपको कोई भी डिटेल्स नहीं है, आपको हमारे नीचे नंबर्स फ्लैश हो रहेंगे, आप इन नंबर्स पे कॉल करके डिटेल्स दे सकते हो। बाकी हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पेज पे और हमारी वेबसाइट पे भी जाके इनकी डिटेल्स ले सकते हो। यहाँ पे आपको यूट्यूब का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, प्लीज़ जाके इसको सब्सक्राइब करो ताकि आगे जो भी नोटिफिकेशन आए वो आपको पूरा टाइम अपडेट रहे। यहाँ पे आपको आई बटन भी दिख रहा होगा जहाँ पे आपको प्रीवियस वीडियोज मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।